हेलो बहनों और मेरी सभी बेटियाँ ही लगेंगी बच्चियों, मैं आपको आज एक समस्या जो बालों की सबको होती है उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे लगेगा कि आपको मेरी वीडियो कुछ पसंद आई होगी और फर्स्ट टाइम मैं आपके सामने आई हूँ। 27 साल से मैं एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर चला रही हूँ जिसमें कि मैं अपने ही छोटे छोटे घरेलू प्रोडक्ट्स बना बना कर यूज़ करती हूँ। बालों की समस्या मेन होता है कि टूटना। बाल क्यों टूटते हैं? शारीरिक मानसिक प्रॉब्लम से हमारे बाल टूटते हैं और भी कई प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण हमारे बाल टूटते हैं। कब टूटते हैं, क्यों टूटते हैं, ये भी मैं बताऊंगी बाद में। पहले मैं आज आपको एक घरेलू नुस्खा जो कि बालों का होता है वो बताऊँगी। आप बालों के लिए टूटने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं? एक चम्मच सिरका, या चाहे वो गन्ने का, चाहे वो जामुन का सिरका लेंगे। 3 चम्मच कच्चे पालक का रस आप लेंगे और उसमें थोड़ा सा, अगर आपके पास अमरवेल आपके कहीं आस पड़ोस में या आपको टेबल पर कहीं मिलता है तो अमरवेल जो पीली पीली होती है झाड़ियों में होती है वो 2-3 पत्ती उसके ले लेंगे टहनी सी लंबी सी। और अगर वो नहीं मिलती तो आप, सबसे अच्छा होगा कि एलोवेरा की जो ऊपर की हरा पोर्शन होता है वो लें 1-1.5 चम्मच, उसको भी काट के और मिक्सी में पीस लें और उसको 1-2 घंटे के लिए रख दें। फ्रिज में रखें तो बेहतर होगा। फ्रिज में रखने के बाद उसको 2 घंटे के बाद आप निकाल लेंगे और अपने सिर में उसको जड़ों में वो लगाएं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 से 12 मिनट तक। उसके बाद ठंडे पानी से धो लें और 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद उसमें शैम्पू करें। बालों में चमक आएगी और टूटेंगे नहीं। मेरा पहला नुस्खा एक बार प्रयोग करें और देखें कि बालों में कितना फ़र्क पड़ता है। आप इसको हफ्ते में एक बार यूज़ कर सकते हैं। 2-3 बार यूज़ करने से ही आपको पता लग जाएगा कि हमारे बाल कितने टूटने कम हो रहे हैं। यह मेरा कोई किताबी नुस्खा नहीं है, यह मेरा नुस्खा प्रयोग किया हुआ है जो कि हम खुद प्रयोग करते हैं और 27 साल से इस तरीके के प्रयोग करते आ रहे हैं। आप एक बार अवश्य देखें और जैसा भी आपको पसंद लगे मुझे बताएं। थैंक यू।